आज हैं हम जंतर मंतर पर। यहाँ एक महिला काफ़ी दिनों से धरने पर बैठी हुई हैं। दिल्ली की राजधानी जंतर मंतर पर अपनी मांग को लेकर आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं कि इनकी मांगें क्या हैं। मैडम आपका नाम? मेरा नाम ओम शांति शर्मा है। ओम शांति शर्मा जी, आप यहाँ क्यों बैठी हो? मैं यहाँ जंतर मंत्र पे इसलिए बैठी हूँ कि मैं मोदी जी से शादी करना चाहती हूँ और मोदी जी की सेवा करना चाहती हूँ। क्या करना चाहती हो? सेवा। सेवा, और अभी आपने क्या बोला? शादी करना चाह रही हूँ। तो मोदी जी से आप शादी क्यों करना चाहती हो? क्योंकि एक पहिए से कभी गाड़ी नहीं चलती है। एक पहिए से गाड़ी नहीं चलती है? हाँ। तो फिर दो पहियों से गाड़ी चलती है और सब मोदी जी को ताना मारते हैं, इसकी पत्नी नहीं रहती है, ऐसा है, बहुत से लोग तो ताना मारते हैं, तो इसलिए मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो मोदी जी सबको न्याय देते तो मोदी जी को भी न्याय मिलना चाहिए। तो आपने मोदी जी को ही क्यों चुना है शादी के लिए? क्योंकि मोदी जी मुझे सपने में आकर के बोले थे। क्या बोले थे सपने में आके? कि तुम और किसी शादी नहीं कर सकती, मेरे से शादी करेगी। मतलब मोदी जी ने आगे सपने बोला कि तू और किसी शादी नहीं करेगी, तो मेरे से शादी करेगी। यस yes। तो मोदी जी के अंदर ऐसी क्या खासियत है जो आप उनसे शादी करना चाहते हैं? देखिए वे सारा, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो कि खासियत नहीं है? वे तो सारे भारत के प्रधानमंत्री, वे भगवान है। मतलब आप एक तरफ उन्हें भगवान मानती हो और एक तरफ उनसे शादी करना चाहती हो, क्या भगवान से शादी की जा सकती है? हाँ, भगवान से शादी की जाती है। तो आप मोदी जी को भगवान रूपी मान के उनसे शादी करना चाहती हो? जी। माननीय प्रधानमंत्री जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो आपसे शादी क्यों करेंगे? क्या आपके अंदर ऐसी अच्छाई है कि वो आपसे शादी करेंगे? लेकिन शादी तो हर कुछ सब कुछ कर सकते हैं। जब सारे भारत की देश की इच्छा पूरी करता, तो मैं भी तो देश की हूँ, मैं क्या देश से अलग हूँ? हमारी इच्छा है शादी की, तो शादी कर लेंगे, क्या हुआ? उनके पास में पत्नी रहती नहीं है। तो मतलब आपके परिवार का क्या स्टेटस है? आपके परिवार में कौन कौन मेंबर हैं? हमारे परिवार में सब अपने अपने मन के राजा हैं। मैं भी मेरे मन के राजा हूँ। सब मैं छोटी हूँ, मैं सारा परिवार में छोटी हूँ। मेरे चार भाई हैं, तीन बहन हैं। पापा मम्मी खत्म हो गए हैं। पापा मम्मी की आज्ञा को मानना पड़ता था, लेकिन पापा मम्मी है ही नहीं। और मेरी जो शादी हुई थी वो उनके सबके राज उनकी मर्जी से हुई थी, लेकिन वो मेरे को रखना पसंद नहीं करता है। और 27 साल से मैं अलग रह रही हूँ, मायके में रह रही हूँ। इसलिए जहाँ आपकी शादी हुई थी, आप 27 साल से अलग रह रही हैं, तो ये एकदम आपके मन में कैसे भाव प्रकट हुए कि मैं मोदी जी से शादी करूँगी? क्योंकि यहाँ मेरे को मान सम्मान इज्जत नहीं मिलता है, हर कोई मेरी बेइज्जती करता है, हर कोई निराशा करता है, इसलिए मैंने शादी करने का फैसला कर लिया। और पति के साथ रहना ही औरत का धर्म होता है। तो शादी हो चुकी है लेकिन वो दोनों एक साथ नहीं रहते हैं, तो अब मोदी जी की जो पत्नी है वो आपको कैसे लाइक करेगी? लेकिन ये तो कोई सवाल नहीं होता कि सेवा करे भी नहीं और करने भी नहीं देगी, ये तो कोई वो नहीं है भाई। अगर वो सेवा कर रही है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो सेवा नहीं करती है तो किसी को करने भी नहीं देगी, ये कैसा न्याय है? लेकिन सेवा की सबको जरूरत पड़ती है, उसको खुद को सोचना चाहिए भाई। अपन को अपने पति की सेवा करना चाहिए, हर प्रकार से सेवा करना चाहिए। लेकिन जब पेपर न्यूज में आती है कि इसकी पत्नी तो इसको साथ नहीं देती है, इसके साथ नहीं रहती है, तो फिर वो कुछ भी नहीं बोलती है। इसका मतलब है वो कुछ साथ नहीं देना चाहती है, कुछ सेवा नहीं करना चाहती है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि वो कुछ मतलब नहीं रखती है। तो आप शादी नरेंद्र मोदी से करेंगे या प्रधानमंत्री जी से शादी करेंगे? प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से। नहीं, वो आपने पहले क्यों नहीं सोचा जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री थे, जब भी आप सोच रहे थे हम उनसे शादी करेंगे, लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री हैं, तो आप प्रधानमंत्री से शादी करोगे या नरेंद्र मोदी से शादी करेंगे? देखिए पहले मुझे पता ही नहीं था, मैं तो जयपुर की रहने वाली हूँ, मेरे को पता थोड़ा था कि उनकी झगड़ा चल रहा है। जयपुर की कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं जयपुर हवामहल विधानसभा के सामने, मैन सिटी जयपुर। मैन सिटी जयपुर, हाँ। तो अभी नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, वहाँ तक आपकी इतला पहुँच गई है कि आप शादी करना चाहती हैं? हाँ, पूछेगी। कैसे पूछेगी? क्योंकि मैं एक महीने से भूखी बैठी हूँ, पूछेगी तो क्यों नहीं, ऊपर वाला पूछाएगा अपने आप। ऊपर वाला पूछाएगा? हाँ। अच्छा मैडम, कल वो हिंदुओं का एक त्यौहार है, सभी महिलाएं जो करवा चौथ पे बरती रहती हैं अपने पति की कामना उम्र बढ़ाने के लिए, क्या कल आप इस तरीके का व्रत रखेंगी? हाँ रखती हूँ, मैं हमेशा ही रखती हूँ और आज भी रखूंगी। और मैं तो एक महीने से भूखी बैठी हुई हूँ। मैं तो एक महीने से भूखी बैठी हुई हूँ। एक महीने से भूखी है? हाँ। किसके लिए? मोदी जी के लिए। मोदी जी के लिए एक महीने से भूखे हैं? हाँ। और कल भी व्रत रखेंगे आप? हाँ। जब आप मोदी जी का चेहरा नहीं देखेंगी तो आप अपना उपवास कैसे खोलेंगी? ये है ना फोटो।
फोटो है ना, आप कैसी बात कर रहे हो? ये आप कब तक इस फैसले पे अडिल रहोगी और कब तक ये आपकी बातें पूरी हो जाएंगी? जब तक हमारे मोदी जी नहीं मानेंगे तो जब तक हमारी रहेगी अड़ रहेगी। तो मोदी जी से आप मिलने की कभी आपकी इच्छा हुई है कि हम वहाँ जाके मिलें? देखिए पहले तो नहीं होती थी, लेकिन अब शादी तो करनी है, अब मैं शादी करके रहूंगी। शादी कैसे, आप हिंदू रीति रिवाज से करेंगे या ये जो कोर्ट मैरिज करेंगे या अरेंज मैरिज करेंगे या जो और तरीके क्या? हिंदू रीति रिवाज से होगी हमारी शादी। हिंदू रीति रिवाज के अंदर दो शादियां अलाउ नहीं है आपकी? लेकिन अलाउ ये तो कोई बात नहीं कि जो कोई जिसके मतलब जिसको नहीं रखता हो, अगर मेरे को नहीं रख रहा तो इसका ये मतलब नहीं कि मेरा पति आकर के मेरे पे आरोप लगाए कि मैं तेरे को रखूंगा भी नहीं और दोबारा शादी में नहीं होने दूंगा, ये कैसा अन्याय है? अब यशोदा बहन जो माननीय प्रधानमंत्री की जो पूर्व की जो घर वाले हैं वो आके ये कहेंगे भाई तू मेरे पति से शादी क्यों कर रही है, क्या कारण है तेरा? लेकिन मैं बोलूंगी कि तो आप क्यों नहीं रहते उनके साथ में? मैं ऐसे तो किसी का अधिकार छीनती नहीं हूँ। जब भी मेरे को पता चल रहा है कि वो किसी प्रकार साथ नहीं दे रही है, सेवा नहीं कर रही है, तो इसलिए मेरे को अब आना पड़ रहा है। लेकिन आजकल जब शादी विवाह करते हैं तो उसमें कुछ कन्यादान और दान दहेज की बात करते हैं, तो आपके पास इतना पैसा है जो शादी कर लें और वो कुछ दहेज में कुछ देंगे आप? हाँ। या लाएंगे क्या? हाँ, मेरे पापा की 5 बीघा जमीन 50 करोड़ की है, मेन रोड पे। 50 करोड़ की? 50 करोड़ की, यस। तो अपनी शादी में आप कितना पैसा खर्च करेंगे 50 करोड़ में से? 50 करोड़ रुपए मैं सारे मोदी जी को दूंगी। मोदी जी को दोगी? यस। तो फिर अगर भाई देव जैसे उन्होंने यशोदा बहन को छोड़ा है, अगर आपको छोड़ दिया तो आप अपना गुजारा कैसे करेंगी? लेकिन मेरे को तो पहले ही छोड़ दिया मैंने उसके, अब कर रही हूँ गुजारा। नहीं तो आपको अगर शादी होने के बाद में दोबारा भी आपको इस तरीके की दिक्कत आ गई तो फिर आप कैसे अपने आप को संभालेंगे? संभाल रखी हूँ मैं तो, पहले से ट्रेंड हूँ, मतलब ये आदत पड़ चुकी है आपको? पड़ चुकी है। पुराना ही एक एक सब एक मिनट अपना स्टार्टिंग और एंडिंग वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं, फोटो स्टार्टिंग एंडिंग कर रहे हैं, थोड़ा कितना टाइम मोटर में कल को भारत देश के अंदर ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो अपनी मनोकामना को लेकर जंतर मंतर पर बैठते हैं और कहते हैं कि हमने अगर शादी करनी है तो माननीय प्रधानमंत्री जी से शादी करनी है। अभी एक जो महिला थी वो मोदी जी का इतना बड़ा फोटो लगा रखा है और साथ में एक तरफ पार्वती जी हैं, एक तरफ गणेश जी हैं, और इनको साक्षी मान के और नरेंद्र मोदी जी से शादी करना चाहती है। और उन्होंने बोला है कि दहेज के अंदर मेरे पापा की जो ज़मीन है 50 करोड़ रुपये की, उस ज़मीन को बेच के जो पैसा आएगा मैं मोदी जी को देऊँगी दहेज के तौर पर। तो इस तरीके की लोग इस तरीके का इन लोगों का मानना है और नरेंद्र मोदी जी के लेडीज़ का अड़ियल रवैया होता है, वह अड़ियल रवैया के कारण एक महीने से 8-9-2017 से यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठी हैं। देखते हैं कि इनकी मनोकामना पूरी होती है या नहीं। कैमरामैन गौतम के साथ मनोज पिपल जंतर मंतर से। पुराना ही एक एक सब एक मिनट हम
पंचायत और एनजीओ वहाँ पे स्ट्रांग कर सकते हैं।